और अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां पर गिरफ्तारी पर कल से सियासत जारी है। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को कल गिरफ्तार किया गया, रायपुर की सेंट्रल जेल में उनको रखा गया। और इस बात को लेकर जहां कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस के नेता नाराज है, तो वहीं वो अपना आक्रोश भी दिखा रहे हैं और इसका प्रतिशोध लेने की बात कह रहे हैं। और इसीलिए 21 तारीख को प्रदेश के तमाम जिलों में, जिला मुख्यालयों में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, इस बात का ऐलान किया गया है। शनिवार के दिन देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है उनके भिलाई निवास से, जिसके बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बलौदाबाजार कोर्ट में उनको पेश किया गया, 20 अगस्त तक के लिए न्यायिक रिमांड पर उनको भेजा गया है। देवेंद्र यादव को देर रात कोर्ट से सीधे राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। रायपुर के सेंट्रल जेल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ झूमा झटकी भी की। हमारे मुवक्किल को ना ही एफआईआर की कॉपी दी गई, ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए, जिसके लिए आज उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना स्वतंत्र एक पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ना ही किसी प्रकार से कोई किसी दुष्भावना से कोई स्टेटमेंट दिया गया है कि ना, ये पूरी एक राजनीतिक अरेस्ट है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बताया कि उन्हें किस प्रकार से बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना किसी कारण बताए पुलिस आज अरेस्ट करके लेके आई है। और न्यायालय ने भी उनके सारे चीजों को सुनने के बाद रिकॉर्ड करके, जो पुलिस की दरख्वास्त थी कि उन्हें एक जुडिशियल रिमांड की जरूरत है ना कि पुलिस रिमांड की, तो उन्हें जुडिशियल रिमांड पे सुपुर्द। अब पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद अब इस पर बयानबाजी का दौर भी जारी है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जुड़ चुके हैं और साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती भी जुड़ चुके हैं। लेकिन धनंजय जी से सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं। धनंजय जी, कल जब देवेंद्र यादव निकले, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो एक हाथ में संविधान था और एक हाथ में सफेद ध्वज था। जब संविधान पर आप लोग विश्वास करते हैं, तो फिर ये सियासत क्यों? क्यों नहीं आप सपोर्ट करते हैं? क्यों नहीं आप पुलिस के सामने आकर कहते हैं कि जो पूछताछ करनी है कर लीजिए, जो भी दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो हो जाएगा? क्या छत्तीसगढ़ में संविधान का पालन किया जा रहा है? क्या कानून के जो अधिकार है उसका पालन किया जा रहा है? ये तो संविधान विपरीत काम है, राज्य सरकार कर रही है। जब देवेंद्र यादव जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, देवेंद्र यादव जी वहां उपस्थित हुए थे और थाने में उनसे पूछताछ हुआ था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी तो जो सरकार है, वो आरोपी को पकड़ने के बजाय निर्दोष लोगों को पकड़ के वो भाजपा के षड्यंत्रकारी सनम जांगड़े को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को षड्यंत्रकारी जिला पंचायत के सदस्यों को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को बचाना चाहते हैं जो हिंसा में शामिल थे, उपद्रव में शामिल थे। सिर्फ और सिर्फ सतनामी समाज के आस्था को चोट पहुंचा रही भाजपा की सरकार, उनके भावनाओं को। धनंजय जी, आपके सारे आरोपों को हम सही भी अगर मान ले, तो मेरा सवाल बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। सवाल बस इतना सा है कि 12 बजे से बाहर पुलिस के जो कर्मचारी है, जवान है, वो इंतजार कर रहे थे, और बतौर जनप्रतिनिधि कानून का साथ देने के बजाय आप 5 घंटे तक उनको इंतजार करवाते हैं। पीसीसी चीफ आते हैं, उनके समर्थक आते हैं, एक पूरा माहौल बन जाता है और उसके बाद वो अपनी गिरफ्तारी देते हैं। इस बात को लेकर आप क्या कहें? क्या वहां कानून पहुंचा था? अगर वह कानून पहुंचता और कानून के नियमों का पालन होता, तो देवेंद्र यादव को एफआईआर की कॉपी दी जाती, जिस ग्राउंड को उनको अरेस्ट किया था उनको बताया था। वहां तो कानून का पालन ही नहीं किया गया। राय जी के निर्देश पर, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुलिस चली गई बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के उनको गिरफ्तार करके ले आई। यहाँ तो स्थिति है सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का। हाँ, पूरे प्रकरण में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी अनुचिता जाहिर कर रहे हैं। सारे निर्देश मुख्यमंत्री निवास के उस पर हो रहा था, पुलिस फॉलो कर रही थी। तो क्या साय साहब पूरे पुलिस विभाग को चला रहे हैं? क्या कानून नाम की चीज है कि नहीं है? आप एफआईआर जवाब ले लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, क्या राजनीतिक विद्वेष की भावना से ये कार्रवाई की गई है, जैसे धनंजय जी कह रहे हैं, बाकी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, राजनीतिक विद्वेष कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा और लोकसभा हारने के बाद हाशिए पर है, जनता से दूर हो चुकी है। उन्होंने जब ये घटना चल रही थी, जब चंदा पर्वत पर
जैद खम का अपमान हुआ तो उसमें गिरफ्तारी हो रही थी, जांच चल रहा था, न्यायिक जांच की भी घोषणा हो गई थी। उसके बाद देवेंद्र यादव, हारा हुआ देवेंद्र यादव जो बिलासपुर में बुरी कदर हार गए थे, वो अपने साथियों के पास जाकर बलौदाबाजार में आग लगा दो, जला दो, इस प्रकार से नारेबाजी कर रहे थे। वो फुटेज उपलब्ध है, जो भिलाई का विधायक है, वो कार्यक्रम केवल बलौदा बाजार का था, वहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने उत्तेजित किया, लोगों को भड़काया, उस्ताया। इसके राजीव जी, आपको कुछ समय के लिए रोक रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। इस वक्त गुरु खुशवंत साहब कुछ बोल रहे हैं, वो पहले सुना देते हैं दर्शकों को, फिर वापस आपके पास आऊंगा। हमारे जो प्रहरी होते हैं जेल के, उनको बंदूक तक तानना पड़ा, इतना ये नौबत आया। तो ये सारी चीजों से समझ में आता है कि जिस प्रकार से उनके समर्थक इतने अभद्र व्यवहार करें, तो इसी से समझ में आता है कि देवेंद्र यादव जी का आचरण क्या होगा, वो क्या करते होंगे, इससे ही समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आज सतनामी समाज बहुत ही ज्यादा आहत महसूस कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आज हमारे जो सादा झंडा है, प्रतीक चिन्ह है, उसको उन्होंने अपमान करने का काम किया है। और सही कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय जी के सुशासन में आज सतनामी समाज को न्याय मिलना है, मिल रहा है। और सतनामी समाज आंखें लगाए के रखा हुआ है कि कब दोषी जेल में जाएंगे, कब ऐसे जो षड्यंत्रकारी जो सतनामी समाज को बदनाम करने का प्रयास किया, शांतिपूर्ण आंदोलन को ऐसे गलत चीज में डाइवर्ट करने का काम किया, और सतनामी समाज जो सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने वाला समाज है, उसको ऐसे गलत तरीके से बदनाम करने का जो प्रयास किया, आज कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार में उसको न्याय मिलना है। और न्याय मिलने के जा रहा है तो उसमें ऐसे बीच में आकर ये प्रोपोगंडा करके समाज को बदनाम करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन पे, कि चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, संविधान हर किसी के लिए है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, संविधान सबके लिए बराबर है, और संविधान के माध्यम से हर किसी को न्याय मिलेगा। अगर देवेंद्र यादव जी अगर अपने आप को बोलते हैं कि मैं निर्दोष हूं, तो उनको पुलिस प्रशासन का मदद करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और साथ ही आपको मालूम ही होगा, ये कांग्रेस पार्टी आज सतनामी समाज की हितैषी बनने की ढोंग कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले पांच साल 2018 से 2023 तक सतनामी समाज के ऊपर अनगिनत इन्होंने प्रताड़ना किया है, जो बिलासपुर में जो जैद खान गड़ा हुआ था, उस रास्ता बनाने के नाम से उखाड़ने की बात। चलिए, तो गुरु खुशवंत साहब को सुन रहे थे आप, जो कि कह रहे थे कि सतनामी ध्वज का अपमान किया है, और अगर वो कानून को मानते हैं देवेंद्र यादव, तो वो सहायता करते, कानून को परेशान नहीं करते, खुद सामने आते। हमारे साथ लगातार बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो बने हुए हैं, धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस से बने हुए हैं, और साथ साथ राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी से बने हुए हैं। राजीव जी, ध्वजा का अपमान करने का आरोप वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं धनंजय जी के पास आऊंगा। तो जो मैं जिस विषय पर था कि उस प्रकार से हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने व्यूहरचना रची कि भारतीय जनता पार्टी को अब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जाए, और जब चंदा गुफा में जैद खम का जो अपमान हुआ था उसको लेके सरकार अपना काम कर रही थी, आरोपियों को धर पकड़ कर रही थी, जांच आयोग बैठ गया था, उसके बाद देवेंद्र यादव का जो फुटेज आया था वो अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने जला दो करके जो नारेबाजी। राजीव जी, बड़ी विडंबना है, आश्चर्य होता है इस बात को लेकर कि आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, 10 से 15 हजार लोग आते हैं, एसपी और कलेक्टर दफ्तर को आग के हवाले कर देते हैं, और सरकार को कानो कान खबर नहीं रहती है। बड़ा मुश्किल हो जाता है इस बात को एक्सेप्ट करना कि आपको इस बारे में खबर कैसे नहीं। गंगा सागर जी, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हम जोगी जी और भूपेश बघेल जी की सरकार नहीं है जो धरना प्रदर्शन करने की मनाही कर दें और उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर दें, पत्रकारों को जेलों में डाल दें। वो उन्होंने अनुमति ली थी प्रशासन से कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए धनंजय जी, सीधे सीधे कहा जा रहा है यहाँ पर खुशवंत साहब की तरफ से कि आपने सतनामी गुरु के ध्वज का अपमान किया है और आपने कानून का सहयोग नहीं किया। सतनामी समाज के आस्था को चोट पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता हैं, जिसने उस गुफा के पवित्र जैतखम को काटा, वो भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदार था, बिहार से गुंडे बुलाकर वो कटवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो सद्भावना बिगाड़ने वाली पार्टी है। सतनामी समाज अहिंसा के मार्ग में चलती है, मन के एक समान के नीति पर चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है, हिंसा कराती है, उपद्रव कराती है, विमर्शता फैलाती है, नफरत फैलाती है, और वही इस प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अगर पत्रकार किसी से सवाल पूछे तो धनंजय, मुझे रोकना होगा, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया धनंजय आपका भी और राजीव चक्रवर्ती जी आपका भी। तो मन के एक समान की बात गुरु घासीदास जी कहते हैं, और ऐसे में
दोनों ही दल बोलते जरूर हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, अपने कृत्यों में नहीं दिखाते।